सिविल अस्पताल को बना दिया अयासी का अड्डा। रात में मनाया जा रहा बर्थडे, अजीबोगरीब तरीके से हो रही बेल्टबाजी। मरीज और तीमारदार रात भर रहे परेशान, कोई नहीं पुरसहाल। वीडियो हुआ वायरल तो गुस्से से तमतमाए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। जिन अस्पतालों में गंभीर रोगों का इलाज होता है, जहां पर तमाम मरीज भर्ती रहते हैं, वहां पर हुल्लड़बाजी की जा रही, वहां पर जन्मदिन मनाया जा रहा है, और जन्मदिन भी ऐसा मनाया जा रहा है जिसे देखकर लोग गुस्सा हो रहे हैं, और इतना गुस्सा हो रहे हैं कि उस पर तरह तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पूरा मामला लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल का बताया जा रहा है और एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवा अब जन्मदिन मना रहे हैं, और जन्मदिन मनाने के दौरान ना जाने वो कौन सी सभ्यता में चले गए हैं कि जन्मदिन चेहरे पर केक तो लगाए ही हैं, साथ ही लोगों के ऊपर बेल्ट से लगातार प्रहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हुआ। जहां एक तरफ सूबे की सरकार लगातार अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने में जुटी हुई है, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति आगाह कर रहे हैं, वहीं सूबे के सिविल अस्पताल में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे स्वास्थ्य महकमा शर्म से पानी पानी हो गया, वहीं डिप्टी सीएम के गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मामला राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ है, जहां के सिविल अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिससे मरीज तो परेशान हुए ही, बल्कि जिसने भी यह वीडियो देखा वह गुस्से से लाल हो उठा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवा जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जन्मदिन भी ऐसा जो शायद आपने आज तक न देखा हो न सुना हो। युवाओं के चेहरे पर केक लगा है, लेकिन उपहार के तौर पर बेल्ट से प्रहार का गिफ्ट दिया जा रहा है। एक युवक हाथ में बेल्ट लेकर बेल्टबाजी कर रहा है, हुल्लड़बाजी हो रही है, मस्ती में चूर ये युवा यह भूल गए कि यह अस्पताल प्रांगण है जहां गंभीर मरीजों का इलाज भी होता है। इन सबसे बेखबर इन युवाओं ने जमकर हुल्लड़बाजी की, वहीं इसका वीडियो किसी प्रकार से सोशल मीडिया तक पहुंच गया। सूबे के तेज तर्रार स्वास्थ्य मंत्री तक जैसे ही मामला पहुंचा, वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने निदेशक को तत्काल मामले की जांच करते हुए 2 दिवस के भीतर कठोर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आप भी देखिए पूरा वीडियो। भैया बस करो, ड्यूटी से फोन आ रहा है।